क्या नाम है आपका? जी रामू कुमार। कहाँ से आए? हम बगही देवराज से आए। अच्छा, बगही देवराज से जी। देवराज में तो प्रशांत किशोर पद यात्रा लेकर गए जी हुए थे। जी क्या समस्याएं हैं वहाँ की? समस्या तो बहुत है, बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी समस्या है वो धरातल पर ही है, पूरे स्टेट में है। बेरोजगारी है, शिक्षा है ना, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कोई भी विधायक या मंत्री जब आते हैं यहाँ पर तो वो लोग सिर्फ ऐसे भाषण देकर और आश्वासन देकर चले जाते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, विकास करेंगे, हमारी पार्टी विकास करेगी, लेकिन उस पर कोई खड़ा नहीं उतरता है। तो जनता उसको वोट करती है और वो जीत के चले जाते हैं और 5 साल के बाद आते हैं एक बार, इधर कभी आते भी नहीं हैं घूमने के लिए, देखने के लिए कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। सिर्फ आते हैं, 2-4 लोगों से मिलते हैं और वो लोग चले जाते हैं। तो समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसे तो यही साबित होता है कि इनके जैसा इंसान अगर पहले से अगर जन सुराग यात्रा किए होते और अपनी पार्टी अगर बनाई होती और जनता के बीच में आए होते तो कुछ सुधार हुआ होता पहले जी। तो अभी अभी आप लेकिन जब से जागते हैं तभी से सवेरा होता है कि नहीं? अभी वो जागे हैं तो मान लीजिए अभी ना सवेरा हुआ है। अब जैसे युवा साथ जुड़ने चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, साथ आएंगे? हाँ बिल्कुल साथ आएंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र बीन, मैं बंगादो प्रखंड का कैलाशनगर गांव से बिलोंग करता हूँ। जन सुराज को लेकर के यूथ में चर्चा है आपके क्षेत्र में? जी, हमारे क्षेत्र में जन सुराज को लेकर के बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और हमारा अति पिछड़ा समाज को सब लोग जन सुराज में जुड़ने का काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि पूरा लोग ईमानदारी और मतलब अपने दिल से इनको साथ काम करेंगे, कहें कि इन पे विश्वास थोड़ा हम लोग का हुआ, बाकी सब लोग तो आए और हमको ठक के गया। बिलवा लखनपुर पंचायत। अच्छा, बिलवा लखनपुर पंचायत। जी, जी, क्या जी, नाम है आपका? भूप नारायण गिरी। देखो हैं, पदयात्रा लेकर निकले हैं, कह रहे हैं ना कि विकास वकास नहीं हुआ है जी, तो या फिर जो भी समस्या है हम सुनने आए हैं जी। तो क्या इससे पहले कोई नेता ऐसा सुनने आया था? जी ना, सुनने तो आए तो कोई नेता नहीं आया। तो अभी आप मिलने आए हैं जी प्रशांत किशोर से? जी, जी, बातचीत करेंगे। समस्या क्या है आप लोगों के क्षेत्र की? बहुत समस्या है यहाँ पर, यहाँ की समस्या बहुत है। जैसे? जैसे कि मानिए कि खेती बाड़ी है, ऋण नहीं मिलता है यहाँ पर किसानों को, समय से पूर्जी नहीं मिलता है, समय से गन्ना नहीं गिरता है, समय से पेमेंट नहीं होता है। किसान यहाँ खेती बाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि की पढ़ाई नहीं होती है। इस चंपारण के अंदर कोई भी कृषि का कॉलेज नहीं है, जबकि कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। जैसे कि इस साल धान सूखा था, बुना पानी हुआ, खाद नहीं मिला, यूरिया खाद नहीं मिला, लोग 1,000-1,500 में खरीद कर बाहर से लाए और छींटे। यही समस्या है यहाँ की, हर साल की यही समस्या है। और खेती किसान वाला खेती पर खेती वाला ही क्षेत्र है, इस समस्या का निवारण करने कोई नहीं आता है। कहाँ कोई आता है? हम तो पूछ रहे हैं चाचा कि ना, कोई कहीं नहीं आता है। कहीं जाइएगा आपका कोई उद्धार नहीं होगा। ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, मनमाना बेचाता है खादर। इसी साल मिला है मनमाना खादर जी। मनमाना खाद का मतलब? रुपया 200 का खादर है तो 1,000 में मिला है, कहाँ जाइएगा आप, किसके से किससे कहिएगा? कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ की यही समस्या, यही सुनाने आए हैं प्रशांत किशोर को जी, यहाँ की समस्या बताने जी, जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बाबू चौधरी है। कहाँ से हैं आप? नौतन विधानसभा क्षेत्र से, ग्राम झाकरा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में जन सुराज को लेकर चर्चा है? चर्चा तो है, चर्चा हो रही है, जन सुराज को लेकर के चर्चा ही हो रही कि पता नहीं ये प्रशांत किशोर जी एक नई व्यवस्था लेकर आए हुए हैं, लगता है कि देश की भविष्य इनसे बन सकती है, इस तरह की लोग उम्मीद जता रहे हैं। जन सुराज को लेकर आप कितना इच्छुक हैं? इसलिए इच्छुक हैं कि 75 साल आज़ादी के बाद भी जनता की सेवा ये जन प्रणाली व्यवस्था के मालिकों के द्वारा नहीं हुई है और लगता है इनके माध्यम से हो सकता है कि ये समाज को बदल दें।